हाई एवरी वन, यस आई एम योर फ्रेंड सरिता कुमारी। वेलकम माई चैनल राजेश्वरी फूड। तो दोस्तों, आज मैं फिर आप लोग के लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। रेसिपी बनाने से पहले आपसे निवेदन है, अनुरोध है, विनती, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए आप रेसिपी बनाते हैं। तो मैंने 300 ग्राम गेहूँ का आटा ले लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा हल्का सा सॉल्ट डालेंगे, लगभग 1/4 करीब मैंने इसमें सॉल्ट डाला है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके, ज़्यादा गीला डो नहीं बनाना है दोस्तों, जितना इसमें पानी सोक करेगा, एकदम सॉफ्ट डो बनाना है, इसीलिए आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा पानी दे दे के इसको एकदम आटा को सॉफ्ट डो हम बनाएंगे, तो इसको थोड़ा थोड़ा पानी बीच में दे दे के इसका हम सॉफ्ट डो बना लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी दे के इसको आटा को ऐसे करके गूंथना है दोस्तों। ये अभी पूरी तरह हुआ नहीं है, तो इसको हम अच्छे से इस आटा को गूंथेंगे ऐसे ऐसे करके, एकदम प्यार से इसको, तो ऐसे करके इसको ऐसे ऐसे करके गूंथना है दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरा डो ऐसे बन के रेडी हो गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा 2 स्पून करीब या 1.5 स्पून करीब इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे, ताकि हमारा जो डो है आटे का वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम हो। तो इसको हमें ऑयल देके भी थोड़ा सा ऐसे करके गूंथना है दोस्तों। क्योंकि मैं आपको पता है, मैं अपना वीडियो अकेले शूट करती हूँ दोस्तों, मेरे प्यारे सखा और सखियों, इसलिए मैं आपको सारा प्रोसेस, अगर दोनों हाथ से ऐसे ऐसे करके गूंथते हैं वैसे नहीं दिखा सकती हूँ। तो मैं इसको अच्छे से ऑयल दे दिया है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से इस तरह गूंथ लेती हूँ। तो दोस्तों ये हमारी सॉफ्ट डो सान के गूंथ के रेडी हो गया है। देख सकते हो आप कितना मुलायम, सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। अब हम इसमें हल्का सा और थोड़ा ऊपर से ऑयल डाल देते हैं। तो इसमें हमने और थोड़ा सा ऑयल दे दिया है दोस्तों, ताकि ये हमारा सॉफ्ट और ज़्यादा सॉफ्ट हो और जो हमारी आज की रेसिपी है वो पत्ता गोभी का पराठा मैं बना रही हूँ, जो सबसे अलग और हटके है और बहुत ही टेस्टी और लाजवाब होगा दोस्तों। लेकिन मानिए, खा के आपको एकदम मन खुश हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा दोस्तों। तो हमने इस आटा को ऐसे करके पूरा ऑयल लगा लिया है। अब हम इसको 15 से 20 मिनट तक सेट होने के लिए छोड़ देते हैं, और तब तक हम इसमें स्टफिंग करने का मसाला रेडी करते हैं। दोस्तों ये रहा कैबेज, इसको मैंने लगभग, मान लीजिए एक मीडियम साइज़ की कैबेज आती है, उसको मैंने अच्छे से धो के ऊपर वाला जो कड़ा पत्ता होता है उसको निकाल लिया है, और इसको धो के और छुरी से देख सकते हो आप कितना बारीक बारीक पतला पतला मैंने काट लिया है, बहुत बारीक से काट लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा हल्का जो पानी लग रहा है, इसको हम एक ट्रिक के जरिए थोड़ा सा देखते हैं, जो भी पानी वगैरह सब होगा निकल जाएगा। तो दोस्तों वो कैबेज मैंने दिखा दिया था, एक बॉल ले लिया है, वैसे तो मैंने उसको 1-2 घंटा पहले ही बारीक धो के अच्छे से और छुरी से पतला पतला नाइफ से काट के हवा में फैन के नीचे सूखने के लिए धो दे दिया था, कि उसमें जो भी पानी है वो
मतलब गीला नहीं रहेगा, सोख हो जाएगा, पानी सूख जाएगा। फिर भी मैं आपके सेटिस्फाई के लिए वो पत्ता गोभी मैंने नीचे बॉल दे दिया है, एक कॉटन का क्लोथ ले लिया है, और जितनी भी पत्ता गोभी है इसमें मैं इसको इसमें सारे डाल लेती हूँ, और उसको हाथ से हम गारेंगे ताकि जितना भी पानी है वो नीचे निकल जाएगा। वैसे तो पानी नहीं है क्योंकि इसको मैंने सूखने के लिए पहले ही ऑलरेडी काट के पंखे के नीचे दे दिया था। दोस्तों सारे कैबेज मैंने इसमें डाल लिया है, अब इसका हम एक पोटली बना लेते हैं। पोटली बना के, एक हाथ से पोटली बना के ऐसे रस गाड़ेंगे। तो दोस्तों ये पोटली मैंने बांध लिया है, अब हम इसको ऐसे करके देखते हैं निचोड़ के कि हमारा पानी कैबेज का निकलता है कि नहीं। लेकिन आई थिंक नहीं निकलेगा दोस्तों, क्योंकि मैंने इसको फैन में ऑलरेडी दे दिया था सूखने के लिए, तो इसमें एक बूंद भी पानी आपको देख रहे हो कि नहीं निकल रहा है। तो ये पहले ही सूखा और ड्राई है अच्छी तरह से, अब देख सकते हो दोस्तों इसमें से पानी नहीं निकल रहा है ज़्यादा निचोड़ने के बाद भी। तो ये पत्ता गोभी हमारा अच्छे से सूखा हुआ है, तो हमें इसमें पानी निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों आपको मैंने दिखा दिया कि इसमें निचोड़ने के बाद भी पानी नहीं निकल रहा है, तो अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो दोस्तों इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है, अब हम इसमें हाफ स्पून करीब इसमें गोटा जीरा डालेंगे। दोस्तों इसमें हमने जीरा हाफ स्पून से दे दिया है, अब मेरे पास अजवाइन है, इसको हाथों से क्रश करके तब हम इसमें डालेंगे। तो मैं इसको हाथों पे मल लेती हूँ अच्छी तरह, तब इसमें डालेंगे। ये से इसको रगड़ लिया है, अब हम इसको इसमें जीरा के बाद अजवाइन हमने इसमें डाल दिया है, अब हम इसमें एक चम्मच करीब धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ा चटपटा और तीखा बनने से दोस्तों मज़ा आ जाएगा खाने का भी, क्योंकि ठंडी का मौसम है। और ये रेड चिली पाउडर है, धनिया पाउडर के बाद हम इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे। अब दोस्तों ये हम इसमें आमचून पाउडर डालेंगे, आप चाहिए तो आमचून के जगह चाट मसाला जो आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने इसमें आमचून पाउडर दिया है जो एकदम चटपटा बनेगा और खाने में स्वाद भी आ जाएगा दोस्तों। अब हम इसमें टर्मरिक पाउडर डालेंगे। दोस्तों टर्मरिक पाउडर डालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जिंजर है, इसको हमने ऐसे करके क्रश कर लिया है सिलबट्टे पे, मैंने इसको लगभग एक छोटी आंत था उसको मैंने सिलबट्टे पे क्रश कर लिया है। दोस्तों अब यहाँ पे आप देख सकते हो तीन बड़ी बड़ी हरी मिर्ची है, उसको मैंने ऐसे करके काट लिया है। तो आप तीखा जितना खा सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जो भी सामग्री मैंने इसमें डाली है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको बढ़ा या घटा सकते हो, क्योंकि ठंड का मौसम है तो थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा हो जाने से कोई नुकसानदायक नहीं होगा, ये अंदर से हमको गर्माहट प्रदान करेगा दोस्तों। तो मैंने इसमें चिली, सारे तीन बड़ी बड़ी चिली थी काट के डाल दिया, और जो भी इसमें मसाला वगैरह था मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको हाथों से पूरा ऐसे करके इन सबको आपने अब तक जो भी कैबेज की पत्ता गोभी तो आपने बहुत खाई होगी दोस्तों, लेकिन देखिए ऐसे करके आप इस ट्रिक से पत्ता गोभी की पराठा खाओगे, वो भी ठंड के मौसम में सुबह सुबह, अगर ठंड का मौसम है सुबह और रात को ऐसे चटपटा और डिलीशियस पत्ता गोभी का पराठा मिल जाए तो दोस्तों क्या बात है, खाने में फिर मज़ा ही आ जाएगा। इसको मैंने बॉयल भी नहीं किया और ना ऐसे काट के फ्राई वगैरह सब जो करते हैं वैसे नहीं किया, आज मैं एकदम आप लोग के लिए डिफरेंट पत्ते गोभी के पराठा ला रही हूँ, जिसे खा के आपका मन और दिन खुश हो जाएगा, साथ ही साथ आपका जो जी का स्वाद है वो भी इसे खा के संतुष्ट हो जाएगा दोस्तों।
तो इसको हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हमारे पास धनी पत्ता है तो इसको भी हम इसमें मिला देते हैं। तो दोस्तों धनी पत्ता के बाद अब हम इसमें हींग डालेंगे। हींग से खाने का जो फ्लेवर होगा वो बहुत ही अच्छा आएगा और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छा है, फूड का फ्लेवर भी अच्छा आता है। तो इसमें थोड़ा सा हम एक चुटकी भर हम इसमें हींग डालेंगे दोस्तों। और ठंड का मौसम है तो ये भी हमें अंदर से, और जो ये सर्दी जुकाम ये सब होता है उसके लिए भी ये अच्छा रहता है हींग। तो इसमें मैंने एक चुटकी भर हींग डाल दिया है दोस्तों। एक चुटकी भर डालिएगा क्योंकि हींग गर्म होता है, इसीलिए एक चुटकी भर आप इसमें हींग भी इस्तेमाल कीजिएगा और खाने का स्वाद भी इससे बढ़ जाएगा। डालने के बाद अब गरम मसाला है तो इसमें हाफ स्पून मैंने गरम मसाला भी डाल दिया है। सब डालने के बाद दोस्तों अब हम इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट डालेंगे, क्योंकि सॉल्ट मैंने अब तक नहीं डाला था। पहले डालने से क्या हो जाता है दोस्तों, पहले मत डालिएगा, पानी छोड़ देगा। अगर आपको ये रेसिपी बनाना होगा तो आप पहले अपना आटा डो रेडी कर लीजिएगा, उसके बाद जब आपको ये रेसिपी बनाना हो तभी आप इसमें पत्ता गोभी में, वैसे पानी छूट जाएगा अगर आप पहले बना के रखोगे। तो जब आपको तुरंत बनाना है तब आप डो रेडी करने के बाद ऐसे पत्ता गोभी को काट के उसको फैन में एक दो घंटा सूखने दीजिएगा, तब आप इसमें मसाला वगैरह जो भी मैंने इसमें इंग्रेडिएंट दिए हैं वो मिला के और तुरंत तुरंत इसको बनाइएगा दोस्तों। और इस सब में जो हमने मसाला डाला इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और ये देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है दोस्तों, और खाने में ऑब्वियसली बहुत ही प्यारा होगा। नमक अपने टेस्ट अकॉर्डिंग इसलिए डालिएगा क्योंकि थोड़ा सा नमक हमने आटा में भी डाला था, ज़्यादा डालने से ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगा दोस्तों। अब हम इसको देखिए, आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। अब हम पराठा बनाने का प्रोसेस जारी करते हैं। ये हमारा बन के रेडी हो गया स्टफिंग के लिए और देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है। अब हम अपना डो चेक कर लेते हैं दोस्तों। 15 से 20 मिनट हमारा डो का भी हो गया है दोस्तों, और ये डो एकदम सॉफ्ट हो गया है, मुलायम हो गया है। आप जब भी कभी किसी चीज़ का पराठा बनाने के लिए बैठे तो आप डो 15 से 20 मिनट गूंथ के रख दीजिए सेट होने के लिए, तो आपका जो पराठा है वो सारे पराठे बहुत अच्छे बनेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए मैंने लोए ले ली है, लोए को रेडी करना है। थोड़ा मोटा पराठा ही अच्छा लगता है, पतला पराठा अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा मीडियम साइज का लोए लिया है। आपको अगर पतला मोटा जैसा मीडियम खाना है आप उस हिसाब से लोए लीजिएगा, लेकिन पराठा थोड़ा मोटा ही अच्छा लगता है, तो इस तरह मैंने लोए ले लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा बेल लेते हैं थोड़ा सा। तो इसको मैंने ऐसे बेल लिया है। तो दोस्तों मैंने ये बेल लिया है। अब जो हमने स्टफिंग के लिए रेडी किया था उसको हम इसमें डाल देंगे। तो मैंने इसमें डाल दिया है दोस्तों। अब हम इसको चारों तरफ से ऐसे करके इसको कवर कर लेंगे। तो ऐसे करके मैंने कवर कर लिया है, और इसका जो एक्स्ट्रा ऐसे करके ऊपर निकलता है आप इसको ऐसे करके निकाल भी सकते हो, या इसमें आप इसके नीचे, मैं निकालूंगी नहीं, इसके नीचे ऐसे करके दबा दिया है। अब इस पर थोड़ा सा और आटा लगा के आप इसको हाथों के जरिए ऐसे थोड़ा थोड़ा सा पुशअप कीजिएगा, ताकि जो हमारा इसमें मैंने जो स्टफिंग के लिए डाला था वो चारों तरफ धीरे धीरे थोड़ा सा सारी जगह फैल जाए। तो ऐसे करके मैंने कर लिया है और ये चारों तरफ, तो इसको मैंने चारों तरफ ऐसे करके देखिए पुशअप करके चारों तरफ, ताकि ये हमारा जो स्टफिंग किया था वो चारों तरफ फैल जाए। अब हम इसको
बर्तन आटा थोड़ा सा लगा के इसको हल्का से आप बेलिएगा, ज़्यादा दबा के बेलेंगे तो पूरा फट जाएगा। इसको हल्का से चारों तरफ आप उल्टा के और पलटा के हल्का हल्का बेल लीजिएगा। तवा मैंने ऑलरेडी पैन नहीं, आज मैं पैन में नहीं बना रही हूँ, लोहे का जो तवा है उस पर बना के आपको दिखा रही हूँ। तो तवा को मैंने पहले ही ऑलरेडी गर्म होने दे दिया था। अब हमने जो पराठा बेला है उसको मैंने इस पर डाल दिया है। तो दोस्तों हमारा पराठा यहाँ पे बन रहा है और तवा पे भी पराठा बन रहा है और मैं यहाँ दूसरा पराठा भी बनाने का रेडी कर रही हूँ। फटाफट हम सारे पराठा बना लेंगे। ये हमारा दूसरा पराठा बेल के रेडी हो गया है। वो सेकंड पराठा मैंने बेल के रेडी कर लिया है दोस्तों। अब मेरे पास गाय का घी है जो जिसकी वीडियो मैंने आपसे शेयर की थी, वही घी है। तो मैं घी के साथ इस पराठे को बना रही हूँ। आप चाहे तो ऑयल के साथ भी बना सकते हो या बटर के साथ भी, लेकिन घी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, हमारे वॉन्स वगैरह के लिए बहुत ताकत देता है। और ठंड का मौसम है तो पराठा अगर शुद्ध गाय के देसी घी से बन जाए तो क्या बात है दोस्तों। अब हम इसको ऐसे के पलटा लेते हैं और इसमें ऊपर से और घी डालते हैं। और जो हमारा ये है घी, जब इस घी में आप ऐसे ठंड में पराठा बनाते हैं तो पराठे का स्वाद दोगुना बढ़ जाता है दोस्तों। तो बस पराठा घी के साथ आप बनाइए, खाने का स्वाद और भी बढ़ जाएगा दोस्तों। और चूंकि ठंड है, गर्मा गर्म पराठा वो भी इस तरह के से बना के मिल जाए तो क्या बात है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा देखिए इस साइड भी पराठा हो गया, इस साइड भी हो गया। अब हम इसको निकाल लेते हैं। इस पराठे को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है दोस्तों। अब हम ये इस पे दूसरा पराठा बनने का प्रोसेस है, दूसरा पराठा हम बनाते हैं। ऐसे करके मैं सारे पराठे बना लेती हूँ। आपका ये कच्चा पत्ता गोभी का मसाला पराठा बनके रेडी हो गया और देखने में भी ये कितना प्यारा लग रहा है, देख सकते हो। जब ठंडी का मौसम आए तो आप ऐसे ही इस ट्रिक से पराठा बनाइए तो आपको पराठा खाने का स्वाद आ जाएगा। मैं आप उसको काट के भी ऐसे करके दिखा देती हूँ दोस्तों कि ये कैसा देखने में है और खाने में। ये देखिए देखने में भी कितना प्यारा लग रहा है और खाने में ऑब्वियसली देख सकते हैं दोस्तों, खाने में ऑब्वियसली बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो जब तक मैं मिलती हूँ नए रेसिपी के साथ, तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए और इस प्यारी सी चटपटी तीखी पराठा खा के अपनी इस प्यारी सी दोस्त को याद करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।